रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर बीजेपी सरकार पर संशय जाहिर किया है, साथ ही उपचुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने का दावा किया है। अनीता वर्मा ने कहा कि धर्मशाला उपचुनावों में प्रचार के दौरान लोगों की बीजेपी सरकार के प्रति मायूसी देखने को मिलेगी, क्योंकि धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकाल में हुए विकास कार्य से लोग काफी खुश हैं, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होगी। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर बीजेपी सरकार पर संशय जाहिर किया है, साथ ही उपचुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार को जीतने का दावा भी किया। अनीता वर्मा ने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में प्रचार के दौरान लोगों की बीजेपी सरकार के प्रति मायूसी देखने को मिलेगी, क्योंकि धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकाल में हुए विकास कार्य से लोग काफी खुश हैं, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होगी। अनीता वर्मा ने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी को लेकर कोई काम नहीं किया है और स्मार्ट सिटी के लिए बजट ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके कारण धर्मशाला के लोग भी बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसका लाभ कांग्रेस उम्मीदवार को मिलेगा। धर्मशाला में जो काम हुए हैं पिछली कांग्रेस की सरकार में, लोग तो उसी की चर्चा करते रहे और मैं देख के भी हैरान थी कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि मेरा अपना घर जो है वो सिविल लाइंस में धर्मशाला में है और वहां के लोग कांग्रेस की सरकार के समय जो कार्य हुए उससे बहुत खुश थे। लोग कह रहे थे कि अभी जो इतनी महंगाई हो गई है और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, इस पर बहुत चिंतित है, और आगे जो मंदी आ रही है उससे उनको ये भी शक है कि कई उनके बच्चों की जो प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं उनकी नौकरियां ना चली जाए। तो ऐसे तो लग रहा है कि लोग जो है वो चाह रहे हैं एक बदलाव, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि एक बदलाव होगा, क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट आता है तो बीजेपी वालों को भी थोड़ा सा धक्का लगेगा, महसूस करेंगे कि उनको भी कार्यों में तेजी लानी पड़ेगी और जो इच्छाएं लोगों की उनको पूर्ण करना पड़ेगा। और स्मार्ट सिटी का जो एक वहां पर चर्चा है, बात है कि पैसे बहुत पड़े हुए हैं लेकिन कागजात वहां पे हिलते नहीं हैं, उसके बारे में भी जो अभी बैठी हुई सरकार है उनको विचार करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूं कि हमारा कैंडिडेट वहां की सीट जो है बड़े आराम से ले जाएगा। अनीता वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मंदी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन सरकार को इस और कोई ध्यान नहीं है। वर्मा ने कहा कि प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट पर भी बीजेपी सरकार पर संशय की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि इतना खर्च कर पीएम को बुलाया जा रहा है। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट में बीजेपी सरकार के साथ आज तो कंपनियां हैं, लेकिन वे बाद में कोई और प्रोजेक्ट लगाकर अपना काम निकालेंगी। इतने खर्चे हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा रहा है वहां पर, मैं समझती हूं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले भी कांग्रेस की सरकार ने जो वो समझते थे कि वो पूर्ण रूप से यहाँ पर ला सकते हैं और यहाँ पे ज़मीनें भी उनको दे सकते हैं, तो उन्होंने कोई आगे बढ़कर कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन अभी इन्वेस्टर मीट में हमें लग रहा है कि कुछ जो आपकी कंपनीज हैं या पार्टीज हैं जो अभी जो सरकार बैठी हुई है उनके साथ है, तो शायद ऐसे ना हो कि उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाए और कल को जो वहां पे प्रोजेक्ट है उसको बदलकर कुछ और ही प्रोजेक्ट बना दिया जाए और उनकी सेवा में ये कहीं इन्वेस्टर मीट ना हो, ये मुझे थोड़ा सा शक है।